व्यापार मंडल के तत्वाधान में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद एक बैठक आयोजित की गई है, व्यापारी पुलिस बैठक। इस व्यापारी पुलिस बैठक में राजधानी के सभी प्रमुख बाजारों के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारीगण आए हैं और बाजारों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, पूर्व में घटित घटनाएं, जो अनेक निजी या सामूहिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के शहर की यातायात को कैसे बढ़िया व्यवस्थित किया जाए और एक संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से व्यापारी और पुलिस प्रशासन मिल करके लखनऊ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, व्यापारियों को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, बाजारों को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इस दिशा में आज एक बैठक की गई है। इसमें लखनऊ के पुलिस कमिश्नर श्री सुजीत पांडे जी, लखनऊ के DCP श्री दिनेश सिंह जी और ADCP श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग अपनी बात, अपनी समस्याओं को आज पर पुलिस प्रशासन के सामने रख रहे हैं और इसमें हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान हो और पुलिस और व्यापारियों को आमने सामने ना होना पड़े, अच्छे माहौल में, नई व्यवस्था में, नए तरीके से काम हो जाए, इस बात को लेकर के यहाँ पर व्यापारी पुलिस बैठक आयोजित की गई है। और क्या कुछ भरोसा मिलेगा अपने व्यापारियों को? आज की बैठक, जैसा कि जब से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ उसके बाद से हम लोग निरंतर प्रयासशील हैं कि हमारे और कम्युनिटी के बीच में, समुदाय के बीच में दूरियां घटें। हम चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे व्यापारीगण हो, हम सबके नज़दीक जाते हैं, सबकी समस्याएं, सबकी चीज़ों को जान, हम चाहते हैं संवाद और प्रगाढ़ हो और आज का ये बैठक भी उसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। हमारे और व्यापारियों के बीच में सीधे संवाद हो, उनकी समस्याओं को हम सुनें और उनका समाधान करें। मुख्य रूप से जो समस्याएं बताई जा रही हैं उसमें से अतिक्रमण की समस्या काफ़ी और यातायात की समस्या, जिस पर हम निरंतर पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सी संस्थाएँ हैं जिनके साथ समन्वय करते हुए नगर निगम, यातायात, हम और हमारे जनता भी है उसमें, साथ में व्यापारी भी हैं, हम सब मिलकर के एक सामुदायिक पुलिसिंग की भावना से, कम्युनिटी पुलिसिंग की भावना से काम करेंगे और एक बेहतर लखनऊ बनाएंगे। सर, व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, उनमें सुधार होगा? पहली प्राथमिकता हमेशा से रही है, व्यापारी हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उत्पादन से लेकर के उपभोग के विक्रय केंद्र तक, रिटेलिंग तक व्यापारी का की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में हम व्यापारी की सुरक्षा के लिए सदैव से संवेदनशील और प्रयासरत रहे हैं और आगे भी रहेंगे और सुरक्षा हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें।